क्या आपको पता है कि ज़्यादातर फिल्में क्रिसमस के मौके पर ही क्यों रिलीज़ किया जाता है? और क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे लंबा क्रिसमस ट्री के बारे में? और KFC जापान में क्रिसमस के टाइम पे क्या होता है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकम करने वाले मूवीज़ में से 3 में से एक मूवी क्रिसमस के टाइम पे रिलीज़ किया गया था, जैसे कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा इनकम करने वाला मूवी एवेटार और रिसेंटली रिलीज़ हुआ स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि क्रिसमस के मौके पर रिलीज़ किया गया। इस दुनिया का सबसे लंबा क्रिसमस ट्री वाशिंगटन DC में बनाया गया था साल 1950 में, जिसकी हाइट 221 फीट है। एक क्रिसमस ट्री को पूरा बढ़ने के लिए 15 साल का टाइम लगता है। हर 3 आदमी में से एक आदमी है जो अपनी चीज़ें क्रिसमस के दिन तक रुकते हैं खरीदने के लिए। क्या आपको पता है कि US के एक स्टेट में 1907 साल तक क्रिसमस इलीगल था, यानी क्रिसमस पर भी कोई छुट्टी नहीं था, ऑफिस उसी दिन बाकी दिन की तरह ही ओपन रहती थी, और वो शहर का नाम है ओक्लाहोमा। क्रिसमस के टाइम पे जापान में KFC का खाना खाना एक परंपरा है, मतलब कुछ हो ना हो जापान के लोग क्रिसमस के टाइम पे KFC का खाना जरूर खाएंगे। और आप देख ही सकते हो KFC रेस्टोरेंट में कितना भीड़ है क्रिसमस के टाइम पर। क्रिसमस के टाइम वीज़ा को हर मिनट 6000 टाइम्स यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। अमेरिकन जो लोग होते हैं वो हर साल 160 करोड़, मतलब 1.6 बिलियन क्रिसमस कार्ड खरीदते हैं, मतलब US के पॉपुलेशन से भी कई गुना ज़्यादा। 2010 में फेसबुक ने एक सर्वे किया था और उसमें पाया गया कि क्रिसमस के 2 हफ्ते पहले सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस सामने आए। ये थोड़ा अजीब है ना? 19th सेंचुरी के शुरुआती टाइम पर क्रिसमस लाइट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे कि उसको खरीदने से ज़्यादा लोग रेंट पे लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन मानते थे, और तब के टाइम पे क्रिसमस लाइट एक स्टेटस सिंबल की तरह काम करता था। यही कुछ फैक्ट्स थे जो कि आई थिंक आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एज ऑलवेज गाइज, टेक केयर, बाय।